मैं एक स्टंट अगर आपको बताऊंगी तो गलत फहमी होगी आपकी, बिकॉज एक स्टंट नहीं, हर कोई स्टंट ही मुझे डरावनी लगती है बहुत ज्यादा। वो मिठाई टक्कर। Hi, this is Dibatma Saha and you are watching me on Tele Reporter. Please keep watching. मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत डांस नाच गाने सब कुछ होने वाले हैं। ऑफकोर्स जन्माष्टमी का ओकेशन है एंड हम जानते हैं कि दही हांडी होती है, वहाँ पे सब लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर खेल कूद कॉम्पिटिशन होता है, नाच गाना सब एक साथ होता है। तो इसीलिए आज मैं भी आई हूँ राधे मोहन के घर पे एंड हम सब मिलके जन्माष्टमी एक साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। इट्स अ रियली नाइस फीलिंग। मैं बात करूँ मैं जन्माष्टमी की, बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। मैम आफ्टर कोविड 2 साल के बाद हम सबको ये मनाने का मौका मिलेगा। yeah. मैम इस चीज के लिए कोई एक मेमोरी ऐसी जब आप जा रहे देख रहे हो रोड पे कि मटकी फोड़ रहे लोग कोशिशें कर रहे और धर से नीचे गिर जा रहे हैं, येस ऑफ कोर्स। आई मीन मैं मुंबई से नहीं हूँ तो मैं जब शुरुआत में मुंबई आई थी, यहाँ दही हांडी इज़ अ बिग थिंग एंड यहाँ पे होता है, होती है अच्छी से। तो ढोल नगारे बज रहे थे, सब लोग मराठी साड़ी पहन के एंड एकदम बीट्स के साथ। क्या होता है ना, आप ऐसी जगह पे एक साथ बहुत लोगों के साथ, मैं किसी को नहीं जानती थी, सब कोई किसी को नहीं जानता था, पर रास्ते में इतना भीड़ हो गया था, कंपटीशन हो रहा था, एक चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे एंड वो जो वाइब थे ना, आई रियली विश्ड उस मोमेंट पे कि काश मेरे मम्मी पापा साथ में होते, दे कुड हैव एंजॉयड इट, इतना अच्छा लगा था। डांस वांस हो रहे थे एंड मैं भी, वो एनर्जी ऐसी थी ना कि हम सब नाचने लगे थे एक पॉइंट के बाद, हम जानते नहीं थे बस नाच रहे थे, तो दैट वॉज रियली नाइस। ड्रेसिंग स्टाइल तो आप देख के समझ ही जाओ कि कुछ क्लासिकल में ही होने वाला है। गाना तो अब नहीं बताऊंगी, उसके लिए यू हैव टू वॉच, बट ऑफकोर्स कोई इंडियन क्लासिकल बेस्ड ही होगा, सेमी क्लासिकल या क्लासिकल बेस्ड में एंड इंडियन यू नो म्यूज़िक के ऊपर ही। सो यस, देखा जाए तो मिठाई के सीन्स बहुत ज़्यादा फन सीन्स होते हैं, चाहे वो बिकॉज मिठाई जैसे बनती है वो करारा जवाब दे देते इंस्टेंटली, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। हाँ, जिनको रिस्पेक्ट करते हैं उनके सामने चुप रहेगी पर जवाब देगी फिर भी, अलग तरीके से ही वो देगी। बट यू नो, इसलिए मुझे भी पर्सनली मज़ा आ रहा है एंड जितने सीन्स आ रहे हैं क्योंकि अभी शादी हुई है एंड प्रॉपर बिजनेस वुमन जो कहते हैं, जैसे अभी रिसेंट हमारे सीन्स में ऐसे आया है कि जैसे स्विगी जोमेटो है यहाँ पे, मिठाई का जो यू नो साइकिल होता है उसने भी पोस्टर्स लगा दिया मथुरा में, बिजनेस वुमेन बन गई कम्प्लीटली, वहाँ पे जितने भी साइकिल वाले हैं सबको ड्यूटी पे भेज दिया, मिठाइयाँ बना के मैं तुम लोगों को दूंगी, तुम लोग जाके बस शेयर कर देना। तो उसका बड़ा अच्छा स्टार्टअप हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ होती है, तो सच अ नाइस थिंग। आई मीन कहाँ से लड़की, क्या क्या हेल्प सपोर्ट मिली रद्दू की, तो शी इज़ लाइक फ्लाइंग नाउ, तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। यू नो जितने आगे के सीन्स भी आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में से तो कोई नहीं गया है, बट खतरों के खिलाड़ी देखने में बहुत मज़ा आता है, बट आई वॉन्डर कि जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है कैसे डील कर रहे होंगे, बिकॉज पर्सनली अगर मुझे दिया जाए मैं पहले ही फेंट हो जाऊँ वहीं पे। तो रियली हेड्स अप टू ऑल ऑफ देम जैसे वो काम कर रहे हैं, आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम मेम्बर्स ओवर देयर एवरीवन, तो इट्स रियली नाइस। मैम आप